अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ अगेन दोबारा अली के स्कूल में समर ब्रेक लेने। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे मिलता है समर ब्रेक। मैंने सोचा आप लोगों को अंदर से भी दिखा दूँ। तो ये इस तरह से है अली का स्कूल, एजुकेटर ऐसा दिखता है अंदर से। तो ये है मुझे समर ब्रेक मिल गया और धूप चेक करें बस। तो ये है समर पैक और अब इसको जमा करवाना है 10 जुलाई को। मतलब थोड़ा टाइम ही है, थोड़े टाइम में ही सारा कंप्लीट करना है। 10 जुलाई को इसको सबमिट करवाना है। तो अब मैं जा रही हूँ घर। आज भी वही टाइम है उस दिन वाले व्लॉग वाला एग्जैक्ट। तो मैं आ गई हूँ गेट के पास, सब मिलते हैं घर में। तो आज मौसम जो है वो कुछ ऐसा है, कभी धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा और कभी बादल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना बाइक पे भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। तो आज जो है उम्मीद है कि मौसम जो है वो अच्छा रहेगा। बाकी जो है हम देखते हैं, गर्मी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर अंदर से बादल आ जाते हैं। लेकिन हवा भी चल रही है और बाइक पर तो वैसे भी हवा लगती है, लेकिन जब हवा गर्म होती है ना तो बाइक पे तो पाँव भी झुलस जाते हैं, हाथ भी झुलस जाते हैं, तब बहुत बुरा हाल होता है। इसका ढक्कन का ऊपर वाला जो टूट गया, कोई घर में सर ज़रूर होता होगा। तो आज के दिन आज बने हैं कोफ्ते और इसके अंदर अंडे जो है वो अभी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आए हैं चावल, चिकन वाले चावल। फ्राइडे है, थोड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल। तो ये देखिए अब्दुल्ला के हाथ पे कितना प्यारा डिंग डोंग का स्टिकर है। जब हम छोटे होते थे ना तब ये बबल बहुत ज़्यादा हम लोग खाते होते थे और अब भी ये जो है ये दोबारा आ गई है। लेकिन इसका टेस्ट जो है वो पहले वाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। अब तो बस इसमें मिठास और मिठास ही है। बैकग्राउंड की आवाज़ें मैंने बंद कर दी हैं क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा शोर था, सारे लोग बातें कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी खिचड़ी मचाई हुई थी, इसलिए आपको मेरी आवाज़ की तो समझ आनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे अगर किसी को अपने घर में कोई पेज नहीं मिल रहा होता खेलने के लिए फुफ्फो और भतीजे को, तो वो अपने भतीजे की टांग जो है वो यूज़ कर सकती हैं और उस पर जो भी वो खेलना चाहें वो ईज़िली खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब इनकी फुफ्फो जो है वो लगी हुई हैं अपने भतीजे की टांग, वाली की टांग पे डिज़ाइनिंग वगैरह करने। अभी दूसरी टांग जो है वो भी पड़ी है खाली। अब दोनों टांगें जो हैं वो खेल खेल के इन्होंने फिल करनी है और देखते हैं कि फिर कौन जीतता है इनमें और कौन हारता है। और दोनों ही मिल के बॉक्सेस बनाने लगे हुए हैं। पहले सारे बॉक्सेस बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसमें खेलेंगे। कितना शौक है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी टांगें जो हैं वो गंदी हो रही हैं, कुछ नहीं, बस फुल मज़े से लगा हुआ है अली भी बनवाने। तो अब इनकी गेम जो है स्टार्ट होने लगी है। तो गेम जो है वो यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब इनमें से कौन जीता है कौन हारा है ये मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पूछा था। शोर इतना ज़्यादा हो रहा था, बस ये लगे हुए हैं गेम खेलने। और जारी बात है पप्पो ने अपने भतीजे को जिताना होगा, वही जीता होगा। आज जोहान को ना अपनी तस्वीरें बनाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक जो है वो चढ़ा हुआ है। अपने बाल जो है वो पहले सेट करेगा, फिर कहेगा तस्वीर तस्वीर तस्वीर। अब तस्वीर तो नहीं एग्जैक्ट सही बोलता ये तो, लेकिन फिर भी मोबाइल लॉक है और अब जो है इसे मोबाइल ले लेना चाहिए ताकि ये जो है इसका पासवर्ड जो है वो बंद ना कर दे। लेकिन शुक्र है इसने कैमरा ऑन किया। मैं अभी इसे मोबाइल जो है पकड़ने लगी तो देखें कितना ईजी हो के आराम से मज़े से ये लेटा हुआ है। इसको पता चल गया है कि मैं इसकी तस्वीर बना रही हूँ। अब इसने दोनों चीज़ें साइड पर रख दी हैं और अब देखते हैं क्या करता है ये। कुछ डिसाइड नहीं हो रहा इससे। हमारे घर का सबसे रौनकी बच्चा है ये और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शोर करता है ये, बहुत शोर करता है। सुकून नहीं आ रहा इस बच्चे को, कभी कहाँ कभी कहाँ। तब ये है जोहान की न्यू लुक, ये है इसकी फुप्पो के काम। क्या आप भी अगर फुप्पो हैं तो आप ऐसे काम करती हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो अब जो है जो स्कार्फ सर पे था अब जो है वो धोती बन चुका है। तो अब ये इसको गिफ्ट मिला है जोहान के, जो हाथ में छोटा सा भालू है ये इसको मिला है गिफ्ट इसके चचू की तरफ से। तो
तो अब हुआ जाता है शेक आइसक्रीम खाने का टाइम। ये फूफो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कप्स लेके आई हैं और इसमें ऐड की है शेक आइसक्रीम। जब हम भी छोटे होते थे ना, हम भी शेक बनवा के ऐसे आइसक्रीम जमा के खाते थे। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग के साथ। तो मेरे व्लॉग्स को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।